Hello everyone, I am Ms. Sonam, an early years educator, and today I am here to help you understand about weather. So let's begin. The day-to-day condition of a place with respect to its humidity, temperature, rainfall, wind speed is called weather. किसी भी प्लेस के डे टू डे कंडीशन, किस कंडीशन पे टेम्परेचर के चेंजेस में, स्पीड ऑफ रेन के चेंज में, स्पीड ऑफ विंड के चेंज में, ह्यूमिडिटी के चेंजेस पे, इन सारे चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। ये सारे चेंजेस क्या कॉज करते हैं, वेदर कॉज करते हैं। वेदर कैसा होता है अर्थ में, वेदर ड्यू टू हीट फ्रॉम सन एंड द मूवमेंट ऑफ एयर, सन की हीट से और एयर की मूवमेंट के चेंजेस में वेदर कॉज होता है। चलिए देखते हैं कि वेदर के एलिमेंट्स कौन कौन से। एलिमेंट्स ऑफ वेदर, रेनफॉल, विंड स्पीड, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, स्नो, क्लाउड्स, दिस ऑल आर एलिमेंट्स ऑफ वेदर। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट सम वेदर सिंबल। नाउ कैन यू सी द सिंबल, देयर आर क्लाउड्स, सो द वेदर इज क्लाउडी। What's the symbol? This is very easy. Sunny. The weather is sunny. Now this is windy weather. Windy क्या होता है? जब air बहुत speed में चलता है उसको हम क्या बोलते हैं? Wind बोलते हैं. So this weather is windy weather. Rainbow. We all love rainbow, right? How many colors are there in a rainbow? There are 7 colors. This symbol. This is very easy. Rainy weather. यहाँ पे क्या दिख रहा है? Clouds and some raindrops. Stormy weather. This is thunderstorm, है ना, बिजली चमकती है, हम देखते हैं ना जब मौसम बिगड़ता है, this is stormy weather. Now this weather is foggy. जब सब foggy foggy हो जाता है, सब पूरा धुंधला हो जाता है, हमको कुछ नहीं दिखाई देता, तब हम क्या बोलते हैं? Foggy weather. Snowy, जब बहुत सारा स्नो गिरता है ना तब हम क्या बोलते हैं? Snowy weather. That's it for today. See you in the next video. Bye bye.